हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्मार्ट वीडियो कोचिंग। आपने स्मार्ट वीडियो कोचिंग ज्वाइन किया है और मैं आपको स्मार्ट वीडियो कोचिंग में सिखाने जा रहा हूँ डिस्काउंट कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स, डिस्काउंट मैथमेटिक्स, जो कि आपका ये तीसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर था परसेंटेज, दूसरा था लॉस एंड प्रॉफिट, तीसरा है डिस्काउंट। हमारे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। मैं आपको परसेंटेज ग्रुप से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये परसेंटेज ग्रुप का तीसरा चैप्टर है। टोटल जो चैप्टर है परसेंटेज ग्रुप में वो कुछ इस तरह से रहा, परसेंट, लॉस एंड प्रॉफिट, डिस्काउंट, उसके बाद आपका है पार्टनरशिप, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और उसके बाद है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये छह चैप्टर आपको परसेंटेज ग्रुप में पढ़ना है। यही जो छह चैप्टर है ये पूरा मैथमेटिक्स का रीढ़ माना जाता है, हम इसको मानते हैं, और इससे आपको मैथमेटिक्स का लैंग्वेज पूरा आप सीख जाते हैं। तो आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं और इस बल थोड़ा सा इसमें हम डिफिनेशन सीखते हैं, आखिर ये कहते किसको है, उसका फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे और आपको हम सिखाएंगे कैसे सभी क्वेश्चन को बिना किसी ट्रिक का बिल्कुल एक लाइन में कैसे बनाते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम लोगों को क्या देखना है, डिस्काउंट। डिस्काउंट आपने बहुत बार सुना होगा, डिस्काउंट इसका मतलब होता है बट्टा, इसका हिंदी में होता है बट्टा, या फिर आप इसी बट्टा को आप छूट बोल सकते हैं, छूट। जब देखिएगा अमेजन या फ्लिपकार्ट ये सब में डिस्काउंट ऑफर चलते रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर इस डिस्काउंट ऑफर का आप लोग फायदा उठाते हैं। तो डिस्काउंट मतलब क्या, छूट देना। जैसे किसी सामान का, किसी चीज़ का प्राइस है 999 रुपया और इसमें आपको बोला कि 10% डिस्काउंट चल रहा है, 10% डिस्काउंट चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो 999 रुपये का जो प्रोडक्ट है वो आपको 10% डिस्काउंट पे मिल रही है। मतलब 999 रुपये में आपको 10% की छूट मिल रही है, 10% आपको बट्टा दिया जा रहा है, यानी 10% रुपया जो कम लेगा, आपका जो प्राइस है 999 इसका वो 90% रुपया ही लेगा, यानी 10% आपको डिस्काउंट दे दिया, मतलब 10% उसको छूट दे दिया। यूं समझिए इसको, किसी सामान का दाम है 100 रुपया और 10% डिस्काउंट चल रहा है तो उसका प्राइस कितना होगा, 90 रुपया। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, ग्राहक को फायदा होना, या फिर दुकानदार लोग जो होते हैं वो डिस्काउंट ऑफर निकाल करके ग्राहक को लुभाते हैं। ग्राहक को लगता है चलो इसमें कम पैसा लग रहा है, इतना डिस्काउंट हो रहा है। तो इसी डिस्काउंट के बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है। डिस्काउंट मतलब क्या था, छूट देना, बट्टा करना, और इसी चीज़ के बारे में बस कैलकुलेशन करना है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं ये सब का सब है परसेंटेज ग्रुप पे आधारित, तो आपको बस परसेंटेज ग्रुप को ही सीखना है। तो परसेंटेज में हम लोगों ने परसेंट को सीख लिया, लॉस एंड प्रॉफिट पूरा सीख लिया, तो अब बारी है डिस्काउंट की। अब देखिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गई ये सब, क्योंकि मैं आपको कोई भी ट्रिक नहीं बताने वाला हूं। इसमें एक स्टेप और है जिसको बोलते हैं समतुल्य बट्टा, या फिर समतुल्य बट्टा, यानी कि दो बट्टा के बदला में एक तीसरा बट्टा, या फिर बहुत टाइप के छूट के बदला में एक निश्चित छूट, जिससे ग्राहक कंफ्यूजन में ना रहे, वो चीज भी मैं आपको सिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो उसके लिए जब क्वेश्चन आएगा तब सीख लेंगे, और बस थोड़ा सा उसके एक झलकी हम लोग देख लेते हैं आखिर वो होता क्या है। देखिए समतुल्य बट्टा क्या होता है, समतुल्य बट्टा क्या हुआ, जैसे कि आपको, आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने गए, आपको बोला कि 20% यहाँ बट्टा चला है, 20% यानी 20% बट्टा है, तो इस 20% बट्टा, अब एक जगह एक दुकानदार और बोला कि आइए हम आपको 10% बट्टा प्लस 10% बट्टा, हम दो बार आपको बट्टा देंगे 10% का, तो किसी ग्राहक को किसके यहाँ पे लेने में होगा फायदा। तो देखिए एक जगह पे है 20% बट्टा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बट्टा 20% बट्टा है, तो इसको तो ग्राहक आराम से ले लेगा, आसानी, चलो 20% इस पे डिस्काउंट मिल रहा है। अब एक उसी प्रोडक्ट पे एक अलग जगह पे, वहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम पहले आपको देंगे 10% बट्टा, और फिर 10% बट्टा दे देंगे, उसके बाद फिर से हम आपको देंगे 10% बट्टा, तो इससे ग्राहक हो जाएगा कंफ्यूज कि हम 20% बट्टा ले या फिर 10% बट्टा प्लस 10% बट्टा, किसमें ज़्यादा फायदा होगा, किसमें दुकानदार को फायदा हो रहा है, किसमें ग्राहक को ज़्यादा फायदा होगा। तो यही सब चीज़ का सॉल्यूशन लेकर आया है, वह है समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा आखिर होता क्या है, इसको आप समझ लीजिए कि दो या दो से अधिक बट्टा के लिए एक तीसरा बट्टा यूज करना, जो कि ये दोनों या फिर दो से अधिक जो भी बट्टा हो इसको वो संतुष्ट कर सके, दोनों के बराबर हो जाए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि वो आखिर होता क्या समतुल्य बट्टा। तो देखिए एक्चुअल में जब हम बट्टा निकालते कैसे हैं, जैसे देखिए 10% अगर बट्टा बोल रहा है तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा,
तो x का 90% हो जाएगा, x का 90% हो जाएगा, ये रहा। तो समतुल्य बट्टा हम लोग देख लेते हैं पहले क्या होता है, उसको फिर हम कुछ परिभाषा हम लोग इसमें सीखेंगे। तो देखिए समतुल्य बट्टा, जैसे 10% बट्टा हुआ, किसी सामान का मान लेते हैं 100 रुपया प्राइस है और समतुल्य बट्टा हमको निकालना, तो क्या करें, 10% और 10% दो तरह के 10%, इसके लिए समतुल्य बट्टा हमको निकालना है। तो क्या करते हैं, 10% बट्टा देना, 10% बट्टा देना मतलब कि 10% दाम को कम करना, यानी 10% उसका वैल्यू को कम करना। पहले कोई भी चीज़ क्या होती है, 100% होती है, मैंने आपको सिखाया ना परसेंटेज चैप्टर में, कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है 100%। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 10% बट्टा दो मतलब 10% डिस्काउंट करो, 10% उसका दाम को कम करो, कम कर रहा है दाम ना, तो अब 100 था 10% कम हो गया, तो बचा कितना 90%। तो देखिए तो 100 का 90% लिख लेते हैं। अब ये भी तो अपने आप में कोई ना कोई है ना, वो ये भी तो अपने आप में 100% है। अब इसके ऊपर से फिर से इसको क्या दिया, 10% डिस्काउंट दिया, यानी 10% छूट दिया। तो फिर से इसको 80% नहीं लिखने का, ऐसा गलती नहीं करने का, क्योंकि ये भी तो अपने आप में होती है 100% ही ना। अब इसी 100% में से 10% कम करना है तो 90% ही बचेगी ना, तो फिर से लिखिए आप यहाँ पे 90%। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं कि इसका वैल्यू होता कितना है। 9 को 9 से गुना कीजिएगा तो 81 यानी 81 होगा। तो अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 100 रुपया जिस वस्तु का दाम था उसका दाम हो गया 81 रुपया, यानी कमी आई, कितना की कमी आई, 19% की कमी आई। तो ये जो आपका 19% है वो कहाँ से निकला, 100 में से 81 को माइनस कर लिए 19% निकल गया, यानी यही जो 19% है ना वो 10% बट्टा और 10% बट्टा दोनों के लिए बराबर है, यानी कि समतुल्य है। आपको कोई दुकानदार बोलेगा 10% बट्टा दिए फिर 10% बट्टा दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपको एक बार में देगा तो उसको 19% बट्टा ही उसको देना पड़ेगा, लेकिन दुकानदार बोला है कि 10% बट्टा प्लस 10% बट्टा, तो ग्राहक को लगेगा क्या, अरे यहाँ तो 10-10-20% बट्टा मिले यहाँ से लेते हैं, जबकि एक दूसरा दुकानदार आपको डायरेक्ट दे रहा है 20% बट्टा 20% बट्टा, तो आपको सामान कहाँ से लेना चाहिए, जो 20% दे रहा वहाँ से। ये 10% प्लस 10% ये आपका भूल भुलैया, यहाँ से आपको एक्चुअल में कितना मिलेगी, 19% बट्टा ही मिल पाएगी। तो ऐसा गलती नहीं करिएगा अगले से आगे से, और हम कुछ और परिभाषा देखेंगे इसमें और फिर देखते हैं आखिर क्या होता है। हमने आपको परसेंट चैप्टर में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज मैंने नहीं बताया, बस परसेंट का बेसिक रूल बताया था, और लॉस एंड प्रॉफिट मैंने आपको चार चीजें बताई थी, एक क्या होती है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, दूसरा होती है विक्रय मूल्य, तीसरा क्या होती है लाभ होती है, चौथा होती है हानि। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य, तीसरा लाभ, चौथा हानि। तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिए, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस सीपी, विक्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी, लाभ मतलब कम दाम में खरीद के ज़्यादा दाम में बेचना, और हानि मतलब ज़्यादा दाम में खरीद के कम दाम में बेचना। ये चार परिभाषा हमने सीखा था लॉस एंड प्रॉफिट में, और आप आ रहे हैं इसमें यानी किस में, डिस्काउंट चैप्टर में। इसमें आपको दो परिभाषा और एक्स्ट्रा सीख लेना है, वो कौन सा है, वो पांचवा परिभाषा है, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, इसको बोलते हैं हम लोग अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी MRP जो उस पर लिखा होता है, प्रिंट रेट, अंकित मूल्य प्रिंट रेट, जी किसी वस्तु पे इतना रुपया लिखा हुआ है, RS 2000, RS 5000, RS 1 लाख, वो क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। अब दुकानदार क्या होता है, किसी सामान को खरीद के लाता है, उसको उतना पर लॉस करना है, सॉरी प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट के बाद उसको इतना में बेचना है, यानी देखिए 100 रुपये के सामान लाया, 20% हमको चाहिए क्या प्रॉफिट, तो उसको बिक्री प्राइस कितना 120 चाहिए, 120 रुपये उसका बिक्री पॉइंट है, लेकिन बेचने का जो टेक्निक है वो क्या है 120, वो 120 रुपये बिल्कुल फिक्स प्राइस, वो क्या कर सकता है, किसी वस्तु पे 120 रुपया लिख दिया, इसको 120 रुपया लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया फिक्स्ड प्राइस,
उसको 20% लाभ कमाना है, क्या लिख दिया फिक्स्ड प्राइस इतना। अब एक दूसरा जो दुकानदार क्या होगा, वो उसी सामान पे उसका जो प्राइस लिखा हुआ 120 रुपया, उसको काट के उसको मिटा देगा, जैसे मॉल वगैरह में होता है, मॉल में उसको क्या लिख देगा, वहाँ पे लिखेगा उसका प्राइस 150 रुपया, उसको क्या प्राइस लिखेगा 150 रुपया लिखेगा, और फिर साइड में लिख देगा डिस्काउंट लिख दे परसेंट में, या फिर फ्लैट डिस्काउंट लिख दे, फ्लैट डिस्काउंट लिख दे 30 रुपीज ऑफ लिख सकता है। तो इसमें क्या हुआ, इस बिजनेस में क्या हुआ, हम क्या देख पाएंगे, हम देखेंगे इस वस्तु का प्राइस है 120 रुपया, चलो यार दम उम कम नहीं कर रहा था, हम कैसे खरीदें। एक दूसरा दुकानदार है वहाँ पे उसी प्राइस का, उसी 120 रुपये वाला प्राइस का लिख रहा है 150 रुपये, और वहाँ पे क्या लिखा, फ्लैट डिस्काउंट 30 रुपया ऑफ, यानी 30 रुपया कम कर रहा है। तो आपका बात तो वहीं पर आ रहा है, लेकिन हमको लग गया रहा है यहाँ पर 30 रुपया कम हो रहा है, यानी 150 रुपये जो है, 120 वस्तु जिसका, जिस वस्तु को 120 रुपये में बेचना था, उसी वस्तु को हमने क्या लिखा 150 रुपया लिख दिया, और उसमें डिस्काउंट दे दिया। तो वही अंकित मूल्य जो है, जो हम बढ़ा करके विक्रय मूल्य से जो ज्यादा दाम लिख के बढ़ा करके लिखते हैं दाम, उसी को बोलते हैं हम लोग अंकित मूल्य, यानी MRP। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, एक जो परिभाषा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया, जो कि इस चैप्टर का नाम है, जो कि है बट्टा। तो आपको बस यही 6 स्टेप को समझना, ये 6 चीज़ को समझना, 4 चीज़ आपने पहले सीखा था, ये जो बट्टा है इसको मैंने स्टार्टिंग बता दिया, और अंकित मूल भी आप बिल्कुल सीख जाए। वैसे ये सब का नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है कि ये आखिर है क्या, आखिर ये चीज़ है। तो चलिए हम बिल्कुल डायरेक्टली हम शुरू करते हैं, कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 1 से, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या, उसको किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, और इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि 10% और 15% के बराबर, 10% और 15% के बराबर एक अकेला छूट, यानी समतुल बट्टा कितना होगा, एक अकेला छूट कितना होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसका बिल्कुल सिंपल सा फंडा ये है कि हम मान लेते हैं किसी वस्तु का प्राइस है 100 रुपया, और 10% और 15% का 2 डिस्काउंट का बदला में हम लोग एक समतुल डिस्काउंट निकालेंगे। तो 100 का 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट मतलब क्या हुआ, 90% निकालिए, 10% कम किया दाम मतलब कि 90% रख लिया। कोई भी चीज़ हो अपने आप में होती है 100%, जब इसका दाम किया कम 10% तो बचा कितना 90%, तो हमने यहाँ पे 90% लिख लिया, ये हुआ आपका पहला डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट कितना है, दूसरा डिस्काउंट है 15% का, तो 15% डिस्काउंट जो वो किस पे मिलेगी, तो वो डिस्काउंट जो है इसी पे मिलेगी, इसमें से 90% कम किया, 10% कम किया है, ये भी तो अपने आप में हो गई 100%, अब इसमें से 10% फिर से 15% फिर से कम करना है, तो 15 जो कम करना है आपका, ये 90 में से 15 नहीं कम करना है, वो 100 में से कम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है वो 100%, तो ये भी तो अपने आप में 100% है, इसलिए इसमें से 15% कम किया जाए, तो अब क्या बच गया 85%, अब क्या बच गया 85%, इसको बस आप लोग सॉल्व करें जितना जल्दी से जल्दी हो सके। चलिए 100 से 100 कटा देते हैं, 0 से 0 कटा देते हैं, अब ये 5 से कटेगा, 5 × 2 = 10, 17 × 5 = 85, तो अब ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, अब ये नहीं कटेगा, तो क्या आएगा 17 × 102, 102 बट्टा में, सॉरी 17 × 153 बट्टा में 2। अब देखते इसका वैल्यू कितना आता है, 2 × 7 = 14 और 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10। अब देखिए 76.5 आया, 76.5 क्या हुआ, वो समतुल्य बट्टा नहीं आया, वो क्या हमने निकाला है, वो 100 रुपये जिसका दाम था उसका दाम अब हो गया है 76.5 रुपीज, जिसका दाम था 100 रुपया उसका दाम हो गया 76.5 रुपीज। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कितना परसेंट उसका दाम घटा है, तो कितना घटा है, तो 100 में से आप 76.5 को माइनस कर लीजिएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, तो आपका 23.5 आ जाएगा, जो कि आपका होगा क्या, समतुल्य बट्टा, यानी कि 10% और 15% के बदला में समतुल्य बट्टा क्या होगा, वो होगा आपका 23.5%। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कहता है इसमें,
कि क्रमागत बट्टा 40% और 20% के समान एकल छूट कितना होगा, यानी कि आपको 40% और 20% के बदला में एक समतुल्य बट्टा निकालने को बोल रहा है। 40% क्या निकालने हैं, 100 का 40% डिस्काउंट मतलब कि 60% और फिर 20% डिस्काउंट मतलब कि 80%। इसका बस आप लोग वैल्यू निकाल लीजिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 8 × 6 = 48। अब देखिए यहाँ पे देखने वाला बात 48 है तो डायरेक्ट 48 आंसर नहीं आया, इसका क्या हुआ, 100 रुपये जिसका प्राइस था वो हो गया 48, तो छूट कितना मिला, तो 100 - 48, इतना चीज़ मुंहजवानी भी कर सकते हैं तो आपका क्या निकलेगा, 52%, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, इसमें क्या कहता है, इसमें आपका कहता है 20% और 30% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। देखिए 20% और 30% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो 100 का 20% बट्टा यानी कि 80% और 30% बट्टा यानी कि 70%, इसका बस आप लोग वैल्यू निकालिए, दो जो खत्म, इससे एक खत्म, 856, यानी कि 100 का वैल्यू हो गया 56, तो घाटा कितना कम कितना हुआ, 44% आपका हो गया क्या, कम हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, बस ऐसा ही बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 10% और 30% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो 10% और 30% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो 10% मतलब कि 90% और 30% यानी कि 70%, तो इसको मुँह जवानी ही बना सकते, 9 × 7 = 63 यानी कि 37% बट्टा मिल गया इसको, 9 × 7 = 63 यानी जो 100 था वो हो गया 63, तो कम कितना हुआ, तो 37%। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे आपको 3 बट्टा दिया, 20% फिर से 20% और 10%, यहाँ पे 3 बट्टा के लिए समतुल्य बट्टा देखिए कैसे निकालते हैं, बस कुछ नहीं प्रोसेस, बस वही करना है, 100 है, 20% मतलब कि 80%, फिर से 20% बट्टा यानी कि 80% और 10% बट्टा यानी कि 90%। अब यहाँ से कटाइए इसको, 30 तक कट गया, अब फिर से ये कटेगा, 2 × 2 = 10, फिर 2 × 4 = 8, अब ये किसी से नहीं कटेगा तो क्या करते हैं, 8 × 6 = 32, 32 नामा, तो 9 × 2 = 18 और 9 × 3 = 27 = 28, 288 बट्टा में 5, इसका पॉइंट निकालेगा तो 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35 और 5 × 6 = 30, 57.6 आया, कितना आया, 57.6, यानी कि जिसका प्राइस था 100 रुपया अब उसका प्राइस क्या हुआ, 57.6 रुपया हो गया है, तो अब क्या करते हैं, 57 यानी कि 43 यानी कि 42.4% का इसको क्या मिला, हैवी डिस्काउंट इसको मिला, तो आप इतना कैलकुलेशन आप लोग माइंडली कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो फिर 100 में से आप 57.6 को माइनस करिएगा तो 42.4 आपका बिल्कुल आ जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, 30, 20 और 10% के लिए एक समतुल्य बट्टा निकालिए, तो सबसे पहले 100, 30% मतलब कि 70% निकाल लीजिए, फिर देखिए 20% यानी कि 80% निकाल लेते हैं, फिर 10% यानी कि 90% निकाल लेते हैं, अब इसको कटा दीजिए, 2 जीरो से ख़त्म, इससे ये कट गया, फिर से 2 से कटेगा, 2 × 5 = 10, 2 × 8, अब क्या करते हैं, 7 × 28 को 9 से गुना करना है, तो 28 को 9 से, तो 9 × 8 = 72 और 9 × 2 = 18, 18 × 7 = 25, 252 बट्टा में 5, 5 × 5 = 25, चलिए 0.5, तो इसका कितना आना चाहिए, तो 49.6 आएगा, तो यानी कि 100 का वैल्यू हो गया 50.4, तो घाटा कितना कम कितना हुआ, तो 49.6 कम हो गया। चलिए यही आंसर होना चाहिए, चलिए बिल्कुल सही आंसर है, आगे देखते हैं, अगला है 10, 15 और 20 के लिए, चलिए 10% डिस्काउंट यानी कि 90%, 15% डिस्काउंट यानी कि 85% और 20% डिस्काउंट यानी कि 80%, इसके लिए आप समतुल्य बट्टा निकालिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, अब ये कटेगा 5 से, 17 × 5 = 85, 5 से 20 × 5 = 100, फिर ये कटेगा 4 से आपस में, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, अब ये नहीं कटेगा, 17 × 2 = 34 नम,
या फिर 17 नमा 153, 153 दूना 306, 306 और बट्टा में 5, तो 5 6 30 और 5 1 5 0.5 दूना 10, 61.2 आया। तो यानी कि कितना आएगा, 38.8, 38.8% का इसको डिस्काउंट मिला। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे क्या कहता है, 20, 10 और 5% के लिए, तो 20% मतलब 80%, 10% यानी कि 90% और 5% डिस्काउंट यानी कि 95%, इसका आप निकालिए समतुल्य बट्टा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, अब कटेगा 19 5 95 और 20 5 100, फिर ये कटेगा 4 से, 4 2 8 4 5 20, अब ये नहीं कटेगा किसी से भी। तो क्या करते हैं, 19 नमा 152 सॉरी 19 नमा 171, 171 दूना 171 दूना तो 17 2 34 342, 342 बट्टा में 5, तो इसको कटाइएगा तो कितना आएगा, तो 5 6 30, 5 8 40, 5 4 20, अब देखिए कितना है, 68.4, तो 100 जिसका वैल्यू था उसका वैल्यू कितना हो गया, 68.4, तो कम कितना हुआ, 68.4 यानी कि 31.6% का क्या हुआ, इसको डिस्काउंट मिलना चाहिए था। चलिए बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट, पहली 25% और 15%, दूसरी 30% और 10%, तीसरी 35% और 5% का डिस्काउंट देती है यानी ऑफर देती है, बताएं कि ग्राहक के लिए बेहतर ऑफर कौन सी है, 25 15 30 10 और 35 5। देखिए 25 15 30 10 और 35 5, यही है ना, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि एक कंपनी है, सॉरी 3 कंपनी है, तीनों सेम प्रोडक्ट पे कुछ इस तरह से डिस्काउंट देती है। यहाँ पे एक कंपनी जो क्या देती है, 25% और प्लस 15% का डिस्काउंट देती है, एक दूसरा जो कंपनी है वो 30% और 10% का डिस्काउंट देती है, तीसरा जो कंपनी है वो 35% और 5% का डिस्काउंट देती है। तो आपको बताना है कि तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट खरीदना यानी ग्राहक को ज़्यादा फायदा देगा, यानी कि ज़्यादा डिस्काउंट, ग्राहक को फायदा मतलब ग्राहक को ज़्यादा डिस्काउंट किस में मिलेगा। तो तीनों का हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा, एक तरह से बोले तो 3 क्वेश्चन को मिलाकर के 1 क्वेश्चन दिया है, इसको घबराने की जरूरत नहीं है, बस तीनों को हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 25% और 25 और 15 का निकालते हैं, तो 100 का 75%, फिर इसका 85%, इसको निकालते हैं क्या होता है, 25 3 75, 25 4 100 नहीं घटेगा, 85 को 3 से गुना कीजिए, 5 3 15, 8 3 24, 24 24 1 25, 255 बट्टा में 4, 4 6 24 और 4 3 12, 4 7 28, 63.75 में वो चीज़ अवेलेबल है, उपलब्ध है, यानी कि डिस्काउंट हम नहीं भी निकालेंगे तो देखेंगे सबसे ज़्यादा कम दाम किसका है, उस पर भी निकाल देंगे तो हमको डिस्काउंट निकालने से मतलब कि मुक्ति मिल जाएगा, हमको डिस्काउंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको पहले दूसरे और तीसरे ग्रुप में निकालना पड़ेगा। अब देखिए 30% 10% क्या क्या मतलब होता है, तो 100 का 70% और फिर इसका 90% हम लोग निकाल लेते हैं, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 9 7 63, इसका प्राइस है 63 रुपया, इसका प्राइस है 63.75 रुपया, इसका प्राइस देख लेते हैं, तो 100 का 35% डिस्काउंट, 35% डिस्काउंट मतलब क्या हुआ, 100 का 35% डिस्काउंट मतलब कि 65%, और ये 5% डिस्काउंट मतलब क्या हुआ, 95%, इसका सॉल्यूशन करते हैं, इससे ये कट गया 5 से, 13 5 65, 5 से 20 टाइम 20 5 100, फिर 5 से
उन्नीस पच्चे पंचानवे फिर पाँच चौका बीस, इसको निकालते हैं तो उन्नीस तीस सत्तावन, उन्नीस से कम उन्नीस और पाँच, नौ पाँच चौदह चौबीस, बट्टा में चार, चार छः चौबीस और उसका फिर चार छः चौबीस, चार एक कम चार और चार सौ अट्ठाईस। तो अब आप देखिए तीन प्रोडक्ट है आपके पास, तिरसठ दशमलव सात पाँच रुपये में अवेलेबल है, दूसरा जो तिरसठ रुपये में अवेलेबल है, तीसरा जो मिल रहा है वो इकसठ दशमलव सात पाँच रुपया में मिल रहा है। तो अब बताइए तो इन तीनों में से तीनों जब सेम प्रोडक्ट हो तो किसको खरीदना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, तो मुझे लगता है कि वो वाली तीसरी वाली। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तीसरा प्रोडक्ट, यानी तीसरे टाइप का जो प्रोडक्ट है उसको खरीदना हमको ज़्यादा फायदे में रहने वाला लगता है। चलिए अब देखें किसी कंपनी में किसी वस्तु का सूची मूल्य है 2000 रुपया। सूची मूल्य मतलब क्या कि 2000 रुपया उसका अंकित मूल्य है, उसका एमआरपी है और उस पर दो तरह का डिस्काउंट उसमें दिया जा रहा है और वो डिस्काउंट देखिए क्या है, वो 20% और 10% का। उसमें देखिए उसको 20% और 10% का दो हैवी डिस्काउंट दिया जा रहा है, 20% और 10% का दो इसको डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका बताइए कि उसका प्राइस कितना रह जाए, उसका एक्चुअल विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इस पर आपको 20% का डिस्काउंट यानी कि इसका 80% आपको निकालना पड़ेगा और फिर 10% डिस्काउंट यानी कि इसका आपको 90% निकालना पड़ेगा। अब इसका वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, देखिए दो जीरो से तो इसको कटा सकते हैं और दो जीरो से इसको आप कटा सकते हैं। अब डायरेक्टली निकालिए, नौ अठे बहत्तर दुना, बहत्तर दुना एक सौ चौवालीस, एक जीरो 1440 रुपया। उसका जो एक्चुअल जो विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा, वो आपका 1440 रुपया हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक साड़ी का मूल्य है 1000 रुपया, एक साड़ी का मूल्य है 1000 रुपये और इस पर आपको तीन तरह का डिस्काउंट दिया जा रहा है। वो तीनों डिस्काउंट देखिए कुछ इस तरह से है, 20%, 10% और 10% का तीन डिस्काउंट इसको मिल रहा है। 20% का डिस्काउंट यानी 80% और इसको 10% का डिस्काउंट यानी कि 90% और फिर 10% डिस्काउंट यानी कि 90%। अब आप बताइए कि इस साड़ी का जो मूल्य है उसका शुद्ध विक्रय मूल्य कितना होगा, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, इस साड़ी कितना रुपए में अवेलेबल होगी। चलिए ठीक है, देखते हैं इसका इतना वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या होगा, तो तीन जीरो इधर, एक दो तीन जीरो इधर, तो ऊपर में छः जीरो कटा, नीचे में भी छः जीरो है, इसको भी कटा देते हैं आपस में। अब सीधे आप गुना कर लिए, नौ नौ इक्यासी अठे, इक्यासी को आठ से गुना करना पड़ेगा आपको, तो आठ एकम आठ और अठे अठे चौंसठ। तो वो जो प्रोडक्ट है, वो जो साड़ी है, वो 648 रुपया में अवेलेबल है, इतना ही में वो मिल रही है, 1000 रुपये की 648 में मिल रही है। चलिए ऑप्शन मिल रहा है तो आंसर भी मिल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, एक दुकान में किसी वस्तु की खरीद पर 10% की छूट दी जाती है, तुरंत नगद भुगतान करने पर और 12% की छूट दी जाती है। यदि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य 250 रुपये हो, यदि नगद खरीद की जाए तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो एक वस्तु का जो प्राइस है वो है 250 रुपया, 250 रुपया, इस पर आपको दो तरह का डिस्काउंट दिया जाता है, एक है 10% डिस्काउंट और दूसरा है आपका 12% डिस्काउंट। चलिए 12% डिस्काउंट यानी कि 88%। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं, एक वस्तु जिसका प्राइस है 250 रुपये, यहाँ पे क्या कहता है, इस वस्तु पे जो है वो 10% का बिल्कुल फ्लैट डिस्काउंट सभी लोगों के लिए मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, डिस्काउंट कितना मिल रहा है 10% डिस्काउंट इसको मिल रहा है। लेकिन दुकानदार ने क्या बोला, अगर आप इसको उधार लेते हैं तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिला, लेकिन आप अभी तुरंत पेमेंट करते हैं, नगद भुगतान करके लेते हैं तो आपको 12% का आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो एक व्यक्ति, अब बताइए एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इस 250 रुपये के प्रोडक्ट पे को नगद खरीदे, नगद खरीदेगा तो उसको दोनों तरह का डिस्काउंट इसको मिलेगा, तो वही चीज़ हमको यहाँ पे निकालना है, इतना के बाद उसका प्राइस कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले ये दो जीरो से दो जीरो कटा देते हैं, अब क्या 25 से कम 25 और 25 चौका 100 कटा दिए, अब ये चार से इसको कटा दिए 22 टाइम, तो अब देखिए 9 दुना 18 एक 19, यानी कि इस 250 रुपये वाली वस्तु का प्राइस जो है वो 198 रुपये हो जाएगी। और हम देखते हैं इसमें पूछ क्या रहा था, तो वस्तु का मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का मूल्य होगा 198 रुपया। चलिए बिल्कुल सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 10% के क्रमिक बट्टे देता है। यदि उसे किसी वस्तु को बेचने पर 108 रुपये मिलता है तो उसका अंकित मूल्य बताइए। देखिए अंकित मूल्य आपको यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ आपको पूछा है उसका MRP कितना है, अंकित मूल्य कितना है। तो हम मान लेते हैं क्या उसका अंकित मूल्य है ₹100। अंकित मूल्य कितना है ₹100। और इस अंकित मूल्य पर वो दो तरह का बट्टा देता है, और वो देखिए वो दो तरह का बट्टा क्या देता है, 20% तथा 10% के दो क्रमिक बट्टा देता है। तो 20% बट्टा दिया तो 80% हो गया, और 10% बट्टा दिया तो फिर हो गया ये 90%। और इतना देने के बाद उसको कितना बेचता है, उसको बेचता है ₹108 में वो बेचता है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख पाएंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा, दो जीरो से इसको कटा सकते हैं हम लोग, आठ से वो ऊपर में कट, इसको भी कटा सकते, चार से 25 चौका 100, चार से चार दूना आठ, ये नौ से कटेगा, 12 9 108, दो से 2 6 12। तो अब देखिए तो x बराबर 25 को 6 से गुना कीजिएगा तो 150 यानी कि 150 आएगा। तो उस वस्तु का जो कीमत था MRP था वो कितना था, ₹150। वही ₹150 का दो तरह का बट्टा देने के बाद ₹108 में वो चीज़ बिक रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 होगा ना अब, चलिए ठीक है, 12.5% और 10% और 6300। देखिए एक वस्तु है जिसपे कि 12.5% का और 10% का दो बट्टा देने के बाद उसको 6300 में उसको बेचा जाता है। तो मान लेते उसका क्रयमूल है, उसका जो प्राइस है MRP ₹100 है, इस पर उसको 12.5% का डिस्काउंट दिया, 12.12% का डिस्काउंट दिया, इसको क्या करते हैं 12.12 मतलब 12.5% और 100 में 12.5 माइनस करते कितना बचेगा 87%। तो इसको क्या करते हैं 87% इसको यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है लिख लिए। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए हम पे हम एक जीरो और डाल सकते हैं, तो 12.5% और 10% का दो डिस्काउंट इस पर देने के बाद इसको 6300 रुपया में बेचा जाता है, सॉरी 6300 रुपया में इसको बेचा जाता है। तो आपको x का वैल्यू निकालना है, क्या करते हैं x का जो है 87% और 90% निकालने बाद 6300 हमको आना चाहिए। ये 87% कैसे आए आपको पता चला क्या, 100 में से 12.5 माइनस की तो कितना है 87, और यहाँ पे जो पॉइंट था इसको हटा करके एक जीरो और यहाँ पे डाल दिए, कोई दिक्कत वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, इस एक जीरो से इस एक जीरो को कटा देते हैं, उसके बाद इस 9 एकम 9 से इसको कटा देते हैं, 9 से 63 इसको कटा सकते हैं। अब देखिए इसको आपस में ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं, ये कटेगा किससे 25 से कटेगा, तो 25 तिया 75 और 25 तिया 75 बचेगा 12 12 125 यानी 25 पंच, फिर ये कटेगा 25 चौका, अब इतना, अब देखिए इतना आया, 35 को इससे भी कटा सकते, लेकिन 35 को उधर कटे तो बेहतर रहेगा, 35 एकम 35 और 35 दुना 70 यानी 20। अब कोई आपस में नहीं कटेगा तो क्या आएगा, 4 एकम 4 दुना 8 8 4 एकम 4 दुना 8, तो x बराबर 8 1 2 और 3 0 1 2 और 3 0। तो उस वस्तु का कीमत कितना था ₹8000। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक साड़ी पर 35% तथा 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए गए हैं, 35% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए गए हैं, और यदि किसी आदमी ने उसके लिए ₹1170 दिए हो तो बट्टों से पूर्व साड़ी का कीमत कितना था। ₹1170 कोई आदमी जो है उसके लिए पेड करता है और उसमें दो तरह का बट्टा मिल रहा है, वो कौन कौन सा बट्टा है, कितना मिल रहा है, 35% और 10% के दो क्रमिक बट्टे हैं। तो मान लीजिए उसका प्राइस जो ₹100 है और 35% बट्टा मतलब कि 65% और 10% यानी कि 90%, ये आपका बना इक्वेशन, इसको बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कटेगा कैसे, तो ये 5 से कटेगा 13, ये 5 से 20, 0 से 0 कटा दीजिए, यहाँ 13 है, 13 9 117 90, ये 9 से 9 है 90। अब ये कोई आपस में नहीं कटेगा तो क्या होता है 2 एकम 2 1 2 3
एक दो और तीन जीरो डाल देते हैं, तो उसका प्राइस कितना था? उसका प्राइस था 2000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है, 33600 रुपये किसी बाइक का प्राइस है और इस पर उसको 16% का डिस्काउंट दिया। 33600 रुपया किसी बाइक का प्राइस है, इसमें उसने 16% का डिस्काउंट दिया, तो अब बचा कितना? 84%। तो चलिए 84% बच गया और इतना ही उसका प्राइस अब बच गया है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो ये 00 से इसको कटा दीजिए और 336 को आप 84 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 6 24, 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13, 8 6 48 और 8 3 24, 8 3 24 और 4 28, 8 3 24 और 2 26, 4 8 4 12, 4 8 3 11 1 12, 6 7 1 8, यानी कि 28,224 रुपये उसका प्राइस रह जाएगा, जो कि इतना में वो अब मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है कि 24% डिस्काउंट देने के बाद 779 रुपये में कोई सामान अवेलेबल है, यानी कि 24% डिस्काउंट दिया तो लिया था कितना प्राइस उसका? 76% उसको देना पड़ा होगा और इसका प्राइस कितना है? 779 रुपया। तो इसका बस आप लोग वैल्यू निकाल लीजिए कितना होता है। तो 25 चौका 4 से, तो 25 चौका 100, 4 से तो 19 चौका 76, ये 19 से कटेगा क्या? कटेगा। 19 चौका 76 और 19 से कम 19 41, तो अब x बराबर 25 से कम 25, 25 चौका 100 और 102, तो उसका जो प्राइस था वो 1025 रुपये उसका प्राइस था, जो इसमें कि 24% डिस्काउंट करने के बाद उसको इतना में वो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है, एक टीवी का सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य एमआरपी 10,500 है, यदि बिक्री कर की दर 8% है तो टीवी खरीदने के लिए कुल रकम कितना चाहिए? 10,500 रुपया है। देखिए यहाँ पे पानी उल्टा बह रहा है, 10,500 किसी टीवी सेट का प्राइस है और 8% इसमें क्या देना आपको? 8% उसका बिक्री टैक्स देना है, यानी कि इसमें बिक्री टैक्स यानी कि आप ही को देना है एक्स्ट्रा पैसा। 8% उसमें क्या है? बिक्री टैक्स, जैसे GST वगैरह लगा हुआ है तो आप ही के जेब से पैसा निकल के देगा उसको। यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा, वहाँ पे टैक्स लग रहा है। डिस्काउंट अलग चीज हुआ, टैक्स अलग चीज। टैक्स मतलब उतना पैसा आपको एक्स्ट्रा देना है। तो देखिए यहाँ पे आपको 8% एक्स्ट्रा देना है, यानी आपको 108% इसका निकालना पड़ेगा, तो इसमें आपको ज़्यादा पैसा लगेगा वहाँ पे। इसे कटा दीजिए। अब 105 को 108 से गुना करिए, तो कैसे गुना करिएगा? तो 108 को 105 से सिंपली गुना करने के लिए, तो वैसे तो आपको 105 को 108 करके इस तरह से गुना कर लीजिए, पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि 105 को आप 100 प्लस 8 से गुना करके जोड़ दीजिए। तो देखिए 105 00 प्लस 8 5 40, 8 1 8, 8 40, यानी कि 40 8 5 13, यानी 11,340 रुपये उसका हो जाएगा प्राइस। इतना में आपको जो है 10,500 की टीवी के लिए 11,340 रुपये आपको देना पड़ेगा। 8% बिक्री कर है, बिक्री टैक्स है, मतलब आप ही के जेब से वो पैसा लगेगा।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है, एक टीवी सेट का मूल्य 9% बिक्री कर सहित 13,407 रुपया है तो इसका अंकित मूल्य कितना है। तो हम मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य जो है वो x रुपया है और इसको 9% बिक्री टैक्स देना है, 9% इसका जो है क्या है बिक्री टैक्स है, उसको आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है, यानी इतना का आपको 109% निकालना पड़ेगा और किसी आदमी ने उसके लिए कितना रुपया चुकाया है तो उसके लिए वो रुपया चुकाया है 13,407 रुपया, 13,407 रुपया वो उसको दिया है। यहाँ से आप लोग को x का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये 109 से कटेगा, कटेगा तो बढ़िया होगा, देखते हैं कैसे कटेगा। 109 को एक बार में कटाएंगे तो अब कितना बच गया यहाँ पे, 9, 5, 14 यानी 25 बचा, 250, तो 109 दूना 218, अब बचेगा कितना 32 यानी कि 3, 2 और 7 यानी ये 3 बार में कट जाएगा तो 123 आएगा, इसको कटेगा तो आपको कटेगा 123 बार में, तो x बराबर 1, 2, 3, 0, 0 12,300 रुपये इसको उसका वो एक्चुअल उसका प्राइस होगा MRP 12,300। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है, एक छाते का अंकित मूल्य 80 रुपया है जिसको 68 में बेचा जाता है, छूट की दर क्या है। देखिए 80 रुपया उसका प्राइस है, 80 रुपया प्राइस है, उसको 68 में बेचा जाता है तो कितना परसेंट इसको डिस्काउंट दिया, इसको क्या समीकरण कैसे बनाते हैं, तो हम मानते हैं उसमें एक्स परसेंट डिस्काउंट दिया, तो 100 - x% निकालेंगे बराबर 68, तो ये बिल्कुल निकल पाएगा। अब हमने यहाँ पे 100 - x क्यों किया, कैसे किया, जैसे 20% डिस्काउंट होता है तो उसको क्या लिखते हैं 80%, उस तरह अगर x परसेंट डिस्काउंट है तो उसको 100 - x तो लिखना पड़ेगा ना। चलिए इसको बनाते हैं, 20 * 4 = 80, 20 * 5 = 100, ये 4 * 17 = 68, तो 100 - x = 17 * 85, तो -x = 85 - 100, -x = -15, -, x = 15 यानी कि उसको 15% का डिस्काउंट देना पड़ा, डिस्काउंट दिया। देखिए एक मेज का कीमत है 6,055, हाँ एक मेज का जो कीमत है वो है 6,000 यानी कि 6,000 रुपीज और उसको 5,500 रुपये में बेच दिया गया, तो आप बताइए कि उसको 5,500 में बेचा दिया उसको कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया। तो देखिए उसका प्राइस है 6,000 रुपया और इस पर हम मानते हैं एक्स परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, तो इसको कैसे लिखें, इसको लिखेंगे 100 - x, परसेंट के लिए बट्टा में 100 = 5,500, इसको बस कैलकुलेट कर लीजिए, एक जीरो से और ये कट जाएगा, फिर ये दो से भी कटा सकते हैं, 2 * 3 = 6, फिर 2 से 275, ठीक है 275, फिर ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो अब देख किधर क्या होता है, 300 - 300 - 3x = 275, अब देखिए -3x = 275 में से 300 माइनस होगा तो क्या होगा, 275 - 300 - 3x = -25, -, x = 25/3, इसका आंसर दिया किसमें, इसका आंसर दिया है आपका पूर्णांक में, तो इसको कीजिए तो 8 * 1/3% आ जाएगा, इस तरह से बना सकते हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। एक व्यापारी जो है वो 20% ज़्यादा अंकित करता है, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। एक व्यापारी है वो किसी वस्तु पर, हम मान लेते उस वस्तु की कीमत है 100 रुपया, वो 100 रुपये इसका क्रय मूल्य है, तो इसका जो अंकित मूल्य करता है उस पर जो प्राइस लिखता है वो क्या करता है 20% एक्स्ट्रा लिखता है, 20% ज़्यादा, यानी इतना का 120% लिख लिया। अब ये हुआ इसका अंकित मूल्य यानी MRP, इस पर वो 5% का डिस्काउंट देता है, तो इतना का 95%। अब इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना है। एक सौ चौदह। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जिसका वैल्यू था 100 रुपया उसका वैल्यू हो गया 114 रुपया, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो उस मेज पर 22 ना, कितने प्रतिशत का लाभ होता है, यानी आपको पूछा प्रॉफिट। तो आप देखिए 100 में खरीद करके 114 में बेच रहे हैं, आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है 14% का।